कंप्यूटर बाबा ने भाजपा को निशाने पर लेते हुए करारा हमला बोला है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के राज में गौ माता तड़प तड़प कर मर रही है। रावण का मंदिर बनाने वाले को भाजपा ने टिकट दिया है। भाजपा नेता ने रामायण का पन्ना फाड़ा था। शिवराज सरकार में साधु संत दुखी हैं, गौ माता भी दुखी है, मां नर्मदा भी दुखी है, मठ मंदिर के पुजारी भी दुखी हैं। कंप्यूटर बाबा ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कंप्यूटर बाबा पूर्व मंत्री और दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा के निवास पर पहुंचे। इस मौके पर कंप्यूटर बाबा ने लोगों से पीसी शर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि पीसी शर्मा ने रामपथ गबन का बेड़ा उठाया था। पीसी शर्मा जब तक मंत्री रहे उन्होंने धर्म के लिए पूरा काम किया। पूरा संत समाज पीसी शर्मा के साथ खड़ा है। वहीं भाजपा को निशाने पर लेते हुए कंप्यूटर बाबा ने कहा कि शिवराज सरकार में साधु संत दुखी हैं, गौ माता भी दुखी है, मां नर्मदा भी दुखी है, मठ मंदिर के पुजारी भी दुखी है। अब जनता किसी भी हाल में भाजपा को वोट नहीं देगी। अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी। शिवराज सरकार में साधु संत दुखी, गौ माता दुखी, मां नर्मदा दुखी, मठ मंदिर के पुजारी दुखी, धर्म में सभी लोग दुखी हैं। शिवराज सरकार को आज जनता जनार्दन का जो आज मतदाता जो है, जब हम लोग जगह जगह जा रहे हैं तो मतदाताओं का बस यही है कि किसी हालत में भी अब बीजेपी नहीं कांग्रेस लाइए, और कांग्रेस आने वाली है ये जनता की तरफ से जो हम लोग जा रहे हैं वो देख रहे हैं। इसलिए मैं मतदाताओं से भी कहना चाहूँगा कि अब जो गौ माता की रक्षा करे, संत समाज की रक्षा करे और माँ नर्मदा की रक्षा करे, ऐसे कमलनाथ सरकार को वोट देना चाहिए। एक बार जरूर जो है कमलनाथ सरकार को सरकार बनाने के लिए आप सबका वोट आना चाहिए। दूसरा, मतदाताओं को धन्यवाद मैं इसलिए दूंगा कि आपकी गलती नहीं थी, आपने बराबर कांग्रेस सरकार को आपने चुना था, परंतु किन्हीं कारणों बस और कुछ गद्दारों ने जो गद्दारी की थी, अब उनकी भी परीक्षा का समय है। आइए हम सब मिलकर के जो है गौ माता के साथ साथ और धर्म की रक्षा करें। हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कंप्यूटर बाबा ने कहा कि रावण का मंदिर बनाने वाले को भाजपा ने टिकट दिया है। भाजपा के लोगों ने रामायण का पन्ना फाड़ा है। भाजपा मध्य प्रदेश में मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। इसका मतलब साफ है कि शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोई काम नहीं किया है। आज गौ माता सड़क पर तड़प तड़प कर मर रही है। गौ माता भाजपा को श्राप देगी और अब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं देखिए, आप सनातन धर्म की बात करेंगे तो ये अपने आइए अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इनसे पूछिए कि रावण का मंदिर कौन बनाया जिसको टिकट दी है, इन्होंने रामायण का पन्ना फाड़ा है इनके ही पार्टी के लोगों ने, तो इस वो नहीं बताएंगे। और सवाल ये अब तो ये हो गया है कि अब मोदी भर बचे हैं इनके पास। आज परिस्थिति यह है कि आप पूरे मध्य प्रदेश में आप जहां देखोगे मोदी के नाम से वोट ली जा रहे, मोदी जी के नाम से वोट ली जा रही। इसका मतलब है कि शिवराज जी ने कुछ नहीं किया है। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है, मूर्ख नहीं है, ये सब समझते हैं। सनातन की बात करेंगे, अरे हम सनातनी हैं और हम सनातन में गौ माता देखिए आज पूरी रोडों में मध्य प्रदेश की सड़कों में तड़प तड़प के मर रही है। ये शराब नहीं देंगी, अरे वोट तो नहीं देंगी। इन्होंने डब्बा डब्बी की योजना लाए, इन्होंने जूता चप्पल की योजना लाए, इन्होंने छाता की योजना लाए, इतनी सारी योजना लाई। गौ माता की योजना नहीं थी क्योंकि वो वोट नहीं देती। यदि वोट देती तो उसकी भी योजना आती, पर शिवराज जी घबराइए मत, ये वोट तो नहीं देंगे, वो शराब जरूर देंगे, आप रहेंगे नहीं, आपकी सरकार नहीं आ रही। इस मौके पर दक्षिण पश्चिम सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। प्याज, दाल, पेट्रोल, डीजल सब कुछ महंगा है। भाजपा पैसे बांट रही है, पर अब भाजपा की सरकार जाना तय है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनेगी। आज 100 रुपए किलो प्याज हो गया है, 100 रुपए किलो चने की दाल, 200 रुपए तेल, तमाम डीजल पेट्रोल रसोई गैस, रसोई गैस 500 में मिले। जब इन्होंने देखा कि कमलनाथ जी ने 500 का, इन्होंने 450 में देंगे, एक कुछ 450 में नहीं मिली। 1000 रुपए डालने की बात की लाडली बहना, बंद कर दी वृद्धा पेंशन, उठा के देख लीजिए विकलांगन की, सब बंद है। तीन महीने ये झूठ और फरेब है। ये लोगों को समझ रहे हैं कि ये जनता बेवकूफ है, लेकिन एक सेंटेंस ही बोलना चाहता हूँ, गाना है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि चुनाव के लिए तुम पैसे दे रहे हो। ये तो वैसे भी बांट रहे हैं, अब इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, ये पैसा बांटे बांटे। तो मैं ही कह रहा हूँ 1500 रुपये उनके अकाउंट में, बिजली सोल्ड फ्री
और वृद्धा पेंशन 600 से 1200 और बच्चों को भी पैसे मिलेंगे 500 से 1500 जिससे पढ़ सके। ये जो कहते हैं ना कि एक जनवरी को ही सब आ जाएगा, ये कमलनाथ जी का 1 जनवरी 2024 सरकार बनना तय। फिर है रन की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।